Hi guys, my name is Ilya. I'm 6 years old and I live in Sydney, Australia. And welcome to Mimi Family. Christmas tree, been wondering just what you mean to me. Oh, still drive me crazy. Tradition we celebrate. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हो तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। समय पता क्या हुआ है, आप गेस करें। समय ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं और मुझे भूख लग रही है। मेरा मन कर रहा है रोटी खाने का। कल मैंने भिंडी बनाई थी, सो मेरा मन है कि एक फुल्का बनावा गरम गरम, उसके साथ भिंडी के साथ खा लूँ। यू नो समटाइम ऐसे ही अचानक से रोटी खाने के लिए दिल करना शुरू हो जाता है। वैसे हम डिनर 6:30 कर लेते हैं और आज मैंने डिनर के लिए कुछ भी बनाया नहीं है। कल वाली थोड़ी लेफ्ट ओवर दाल है, भिंडी की सब्जी भी है, कुछ हमें एग उग बना लेंगे और उसी के साथ रोटी खा लेंगे। ज़्यादा टशन वशन नहीं करेंगे आज। और आज मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल घर वाले कपड़े पहन के रखे हैं और पति की कोटी, क्योंकि ठंड है आज। थोड़ी ग्लूमी दिन है, सारा दिन ग्लूमी था। कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, कितने बजे, दोपहर को 12:30। हिम्मत साथ में नहीं आ सकता है क्योंकि डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं किड्स को क्लिनिक्स में। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऑल राइट, सो नए रूल्स के हिसाब से अगर आपकी अपॉइंटमेंट है, आप अपने बच्चे को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो क्लिनिक में बच्चों को अलाउड नहीं कर रहे हैं। और सो हिम्मत अपने दोस्त के घर जाएगा, उसकी मम्मी बेचारी मेरी बहुत हेल्प कर रही है। आई एम वेरी थैंकफुल कि वो कहती हैं कि यहाँ पे हिम्मत को छोड़ दो, और हिम्मत उसके साथ कंफर्टेबल भी है और वो दोनों प्ले भी कर लेते हैं यहाँ। कल तो स्कूल का टाइम होगा, सो स्कूल में एक साथ बैठ जाते हैं, तो लाइक शी इज़ रियली हेल्पिंग मी। आई एम वेरी 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 थैंकफुल। और या कल फिर मेरी वो अपॉइंटमेंट है और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उस अपॉइंटमेंट। कल स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एपिसोड नंबर 2 बना ही नहीं पा रही हूँ मैं, पर मैं आजकल मैं कोशिश करने वाली हूँ कि उसको भी बना लूँ। और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जो रूमेटॉइड या किसी भी क्रॉनिक इलनेस के दोस्त हैं, और उसको मैं कैसे डील करती हूँ, उसके लिए टिप्स एंड एवरीथिंग वो उसमें हम बात करेंगे। रोज़ मैं सोचती हूँ कि आज उसको शूट कर लूँ, पर फिर कोई ना कोई काम निकल आता है। और हम सिमार लैशेज में और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं, उसकी भी मुझे जो काम होता है बड़ा जो चंक है वो सुबह सुबह ही होता है डील करना, और सुबह ही डॉक्टर के पास जाना होता है। सो बहुत ज़्यादा बिजी होता है मेरा वो समय। और ऐसी कोई वीडियोज़ जो मैं शूट करती हूँ, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं 10 बजे के अराउंड शुरू कर लूँ शूट करना, ताकि हिम्मत के लंच तक मैं फ्री हो जाऊँ, फिर उसको खिला पाऊँ। सो अगर वो वाला मेरा समय मिस हो जाता है तो फिर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। अगर मैं इस शाम को वीडियो शूट करना शुरू करूँ, फिर तो मेरा सारा जो ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं घर को या चीज़ों को, वो सारा डिजास्टर हो जाता है। कि इस समय मेरा होता है कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं किचन के काम कर पाऊँ, अपना डिनर कर पाऊँ, फैमिली वाली चीज़ें कर पाऊँ। सो या अगर मेरा दिन मिस हो जाता है तो फिर मुझसे वीडियो शूट नहीं होती। पर या मैं कोशिश करूँगी कि रूमेटॉइड का एपिसोड नंबर 2 और 3 दोनों एक ही साथ शूट कर लूँ, ताकि जो दोस्त इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं मेरे रोज़ाना वाले व्लॉग्स में इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा बार 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 डिजीज़ के बारे में सुनना। खुशी वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं सबको। कैसी खुशी से डांस हो रहा? ओह लड़के कम है, व्हाई यू सो हैप्पी? SpongeBob मूवी देखने वाला है ये लड़का। ओके दोस्तों, सो मैं अपने लिए एक फुल्का बनाने वाली हूँ और चाय भी रख देते हैं, तब तक मेरे पति परमेश्वर जी आ जाएंगे एंड फिर हम चाय पी लेंगे। और अगर आपने मेरा पंजाबी वाला व्लॉग नहीं देखा है, जो मुझे लगता है डे 15 था वो पंजाबी व्लॉग, वो पूरा हमने पंजाबी में बनाया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो पंजाबी व्लॉग में, तो व्लॉग में डे 15 ज़रूर से देख लें। हेलो हाय, आपके पास वेजिटेरियन समोसे हैं? 5 कर देंगे आप टेक अवे के लिए? कितनी देर में हो जाएंगे?
ओके जी या ठीक है फिर मिलते हैं थैंक यू ओके दोस्तों तो हम लोग खाने वाले हैं समोसे बिकॉज मेरे पति बहुत चटकारे लगाते हैं वो कह रहे कि समोसे खाने उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये समोसे का भरा Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, you pull back blushing delight. Call me when you get back home. Meet me at Manhattan Henge, meet me under Columbus Circle. I'll be waiting there for you. Meet me when the stars align. Meet me when the earth defies. I'll be waiting there for you. Cotton candy clouds reflected in your eyes. Merry-go-round. ओके दोस्तों मैं आज का व्लॉग एडिट कर रही हूँ और मैं बहुत ही गलत पोजीशन में बैठ के एडिट करती हूँ मेरे ना पेट दुखनी शुरू जब मैं वीडियो बना रही उदो तेन मेरे ना गल्ला करनी होंगी सारी दुनिया की केड़ा मैथ किया आपने दोस्तों तो मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ ऑलमोस्ट डन है पर अराउंड घंटा लगेगा और वीडियो एक वीडियो को एडिट करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं मेरे और अभी सारा कुछ हो चुका है फिर भी 1 घंटा और लगेगा प्यारे दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और मेरी वीडियो का एडिट एंड अपलोड अब फिनिश हुआ है चाय एंड समोसे के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया मेरा पहले प्लान था कि मैं रोटी खा लूँ जैसे मैंने दोपहर में बताया था कि मैं भिंडी की सब्ज़ी के साथ रोटी खाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा था बट देन हमने नहीं खाया और हमने हमारा डिनर स्किप कर दिया क्योंकि समोसे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो इसलिए हस्बैंड ने भी नहीं कुछ खाया उसके बाद मैंने भी नहीं और चाय हमने अराउंड 5 बजे पी ली थी और अब मुझे फिर से भूख लग रही है और मैं खा के सोने के लिए जाना नहीं चाहती हूँ तो मैं खाने वाली हूँ एक ऑरेंज एंड यस आज के व्लॉग के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है और हस्बैंड एंड हिम्मत ऑलरेडी सो चुके हैं हिम्मत वैसे सोने के लिए जाना नहीं चाहता वो मेरे साथ रहना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि उसे मज़ा आता है टीवी देखने में और टाइम वेस्ट करने में पर मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी सो जाए क्योंकि अगर वो अच्छी नींद नहीं लेगा तो फिर अगली सुबह उससे उठने में प्रॉब्लम होती है मैं आजकल बहुत ज़्यादा कम नींद ले रही हूँ पर बिकॉज मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है पर यस वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस व्लॉग मैस कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दिन मिस ना हो और इवन इस व्लॉग मैस के बाद भी हम चाहते हैं कंटिन्यू करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करें सो यस ये हमारी कोशिश होने वाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स को अपलोड किया जाए बिकॉज मैं ज़्यादा अच्छा सो नहीं रही हूँ तो वो मेरी स्किन पे शो होना शुरू भी हो गया है जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी स्किन में टेक्स्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा टेक्स्चर मुझे फील हो रहा है लाइक बहुत बम्पी सी स्किन होगी है मेरी हर तरफ कुछ ना कुछ है सो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ हाइरोलोनिक रिच क्रीम है मेरे पास एक नाइट क्रीम उसको लगा के सो रही हूँ और उससे थोड़ा फ़र्क फील हो रहा है मुझे जो मैं हाइरोलोनिक की क्रीम विनर से लेके आई थी ब्रांड का नाम था शायद द क्रीम शॉप वो बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का जली किस्म की क्रीम है और उसका अच्छा सा क्वांटिटी मैं मेरे फेस पे लगा के सो रही हूँ और अगले दिन मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है पर या मेरी स्किन में बहुत बहुत ज़्यादा टेक्स्चर है और जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा अगर आप अपनी स्किन से हैप्पी ना हो तो उसका आपके कॉन्फिडेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बार बार याद आ रहा है कि मेरी स्किन कितनी अजीब हो रही है वैसे मेरी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जिस पे हम काम कर रहे हैं आजकल विटामिन सी और एडमायर माई स्किन मैं
यूज़ कर रही हूँ, अभी तक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है पर होपफुली जल्दी हो जाएगा। सो या ये है इन्फॉर्मेशन स्किन केयर के बारे में। ऑलराइट, मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं या कुछ आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं मुझे व्लॉग में, तो आपके बहुत बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिसको हम फ्यूचर वाले व्लॉग्स में इंक्लूड करते जाएंगे। पर एक जो सबसे ज़्यादा है वो है अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है एंड अपने पैशन पे कैसे काम करना है। यू नो, जब आपका कोई पैशन है या आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उस समय काम करते जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर आपको ये याद रखना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। आपके अगर काम करने के जो रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे एंड क्लीन हैं, तो आपको उस पर काम करना बंद नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। हो सकता है कि आप आज परेशान हो, दुखी हो या आपका दिल टूट गया हो, एक दिन की ब्रेक ले लें पर फिर से काम करें, क्योंकि यू नेवर नो कि सक्सेस वाला दिन कौन सा है। हो सकता है कि कल वाला दिन ही आपके लिए सक्सेस हो और आज आप हार मान जाओ। सो हार मानना अपनी डिक्शनरी में रखें मत। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका एक पैशन है, उसके टुवर्ड्स काम करना है आपको और आपके पास प्लान है उसके लिए काम करने के लिए, तो हमेशा उसी पे काम करें, प्लान बी मत रखें। क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी होगा तो आप ए पे उतना ज़्यादा ध्यान से काम नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि अगर ये कामयाब हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर मेरे पास प्लान बी तो है ही। और अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो किसी भी सिचुएशन में आपको अपने ए को ही सक्सेस करना पड़ेगा। सो अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो आप सोचेंगे कि या तो मैं जीऊँगा या मरूँगा, पर मैं इसी पे काम करूँगा, तभी आप करेंगे। आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते हैं, कुछ दिन बुरे भी आते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप निकल गए, हार गए, तो फिर आप रेस से निकल गए। धीरे धीरे चलें पर चलते रहें, तभी मंजिल तक पहुँचेंगे। अगर आप ब्रेक लेके किसी और जगह बैठ गए कुछ घंटे के लिए, कुछ सालों के लिए, तो फिर बैठ गए। सो धीरे धीरे चलें, जंप करते चलें, जैसे मर्जी चलें पर चलें, तभी आप मंजिल तक पहुँचेंगे। जब आपको लगता है कि आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो याद करें उन रिजल्ट्स को जो आपको मिल सकते हैं, कि कितना मज़ेदार होगा जब आप उस मंजिल तक पहुंच के उन सारे रिजल्ट्स को देखेंगे, वो फीलिंग को फील करें और यस काम करें। और अपने आप को निराश मत होने दें। जब निराश होते भी हैं पर अपने मुंह से कभी मत निकालें कि ये चीज़ें आपके लिए होंगी नहीं, तो वाकई होंगी नहीं। सो प्लीज़ अपना 100% दें और ज़िद कर लें अपनी किस्मत के साथ और अपने तारों के साथ, अपने स्टार्स के साथ, कि मैं तो ये चीज़ हासिल करूँगा ही करूँगा, भावे मुझे हज़ारों साल लग जाएं पर मुझे ये ही हासिल करना है। सो आपकी ज़िद के आगे ये कायनात भी झुक जाएगी और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बस अपनी ज़िद में कोई बुरी सोच मत आने दें, अपने दिल को साफ रखें, करते रहें काम, ज़रूर कामयाब होंगे। सो या ये है मेरा नन्ना सा सखी सहेली सेशन कि कैसे मोटिवेट रहें और कैसे अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएं। और यार, मेरे पास बताने के लिए और कुछ नहीं है। मैं मिलूंगी आपको कल शाम को मैं आपको मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय लालू।